आपके साथ दीक्षा। 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बैंक अकाउंट एक बार फिर से चालू कर दिया गया। उसके अलावा लश्कर और जमात उद दावा के 4 और आतंकवादियों पर पाकिस्तान ने ये मेहरबानी दिखाई है। इन आतंकवादियों में अब्दुल सलाम भुट्टवी, हाजी एम अशरफ, यमहा मुजाहिद, जफर इकबाल, इनका नाम शामिल है। दावा किया जा रहा है कि ये कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की सेक्शन कमेटी की इजाजत से उठाया गया है। इन आतंकवादियों ने परिवार का खर्च नहीं चला पाने का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट पर लगी रोक हटाने की गुहार लगाई थी। जिन पर मेहरबानी दिखाई गई है वो सभी यूएनएससी के आतंकी लिस्ट में शामिल है, खास तौर पर हाफिज सईद। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट। पाकिस्तान ने प्रतिबंधित जमात उद दावा यानी कि जेयूडी प्रमुख और मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके 4 गुर्गों के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी है। मीडिया में आए खबरों के मुताबिक रविवार को यह जानकारी दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने सईद को आतंकवादी घोषित कर रखा है और अमेरिका ने उस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। उसे पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी वित्त पोषण के 2 मामलों में उसे 1 साल फरवरी में आतंकवाद निरोधी अदालत ने 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। वो लाहौर की कड़ी सुरक्षा वाली कोर्ट लखपत जेल में बंद है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकी सूची में शामिल अब्दुल सलाम भुट्टावी, हाजी एम अशरफ, यहावा मुजाहिद और जफर इकबाल जमात लश्कर ए तैयबा के वो अन्य सदस्य हैं जिनके बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब आतंकवाद निरोधी विभाग यानी कि सीटीडी की तरफ से उनके खिलाफ दायर आतंकी वित्त पोषण के मामलों में ये लोग अभी लाहौर जेल में 1 से 5 साल तक कैद की सजा काट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति से औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद बैंक खातों पर लगी रोक को हटाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जेयूडी सरगना ने संयुक्त राष्ट्र से बैंक खातों से लेन देन पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था जिससे वो घर चला सके। आपको बता दें कि इन नेताओं ने पाकिस्तान सरकार से किए गए अपने अनुरोध में अपनी वित्तीय आय और आय के स्रोत का उल्लेख किया था। इसमें कहा गया कि इस अपील को उनके बैंक खाता संख्या और अन्य विवरण के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा गया। सईद के नेतृत्व वाला जेयूडी लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है। लश्कर ही 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार था। इस हमले में 6 अमेरिकियों सहित तकरीबन 166 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी वित्त विभाग ने सईद को खास तौर पर वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 के तहत दिसंबर 2008 में उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया था और सूची में डाल दिया गया था। सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के अनुपालन में पाकिस्तान सरकार ने उसके बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगा दी थी। इसी तरीके की और इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईपीएन भारत। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा, नमस्कार।